हाँ दोस्तों, थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप अपने घर पर पड़े हुए इस तरीके के बेकार हेडफोन के माध्यम से एक बेहतरीन तरीके का माइक्रोफोन कैसे बना सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक अग्नि 2020 कलम का झक्कन है और ये माइक्रोफोन का जो हेड होता है, सॉरी जेक होता है, वो है यानी कि हेडफोन का जो जेक होता है वो होता है, और उसके माध्यम से हमने एक बेहतरीन क्वालिटी का माइक्रोफोन बनाया है जो कतई जहर है, बोया के माइक्रोफोन से थोड़ा सा भी कम नहीं है। हम आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाले हैं। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं हमारे बोया का बायमोन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया गया, जो जिसे हमने यहाँ पर खुला पर लगाया हुआ है। चलिए अभी हम इस माइक्रोफोन को निकालते हैं और ये जो हमने बनाया हुआ है खुद का माइक्रोफोन, इसे लगा करके आवाज़ सुनाते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं आपको कैसे इसे बनाना है अपने घर पर। तो अभी हम इसे रिमूव कर लें। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के इनबिल्ट माइक्रोफोन से, यानी कि फ़ोन में जो माइक्रोफोन आता है उसे है, और अब हम इस माइक्रोफोन को जो कि हमने बनाया है इसे ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक्रोफोन है हमारे सामने, तो चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इनबिल्ट हो चुका है, वहाँ पर लिखा हुआ शो हो रहा है। अभी ये माइक्रोफोन आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है और इसे हम कलर पर लगा लेते हैं, और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इस माइक्रोफोन से आवाज़ आ रहा है कतई जहर माइक्रोफोन, हमने आपको पहले ही बताया, कहीं भी बोया का माइक्रोफोन से नहीं कम लग रहा है। अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये हमने इस माइक्रोफोन को जो बनाया है इस माइक्रोफोन से अभी आवाज़ आ रही है। तो चलिए आपको भी बताते हैं, यदि आपके पास भी इस तरीके का ख़राब ईयरफोन है तो कुछ इस तरीके के वायर के थ्रू और अग्नि 2020 कलम के माध्यम से अपने घर पर ही एक बेहतरीन तरीके का सेम एज बोया के माइक्रोफोन की तरह माइक्रोफोन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पूरा फुल प्रोसेस आपको लाइव दिखाते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाले, अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखे सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक कर दिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसे बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सा सामान होना चाहिए। तो उस सामान को हम पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक ख़राब ईयरफोन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक ख़राब ईयरफोन यहाँ पर लिया हुआ है। उसके बाद चाहिए आपको एक तार, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का तार आपको मार्केट में मिल जाता है, 5-6 रुपये मीटर देता है। आप कोशिश कीजिएगा जो तांबा वाला वायर होता है वो लेने के लिए, तांबा वाला है, एल्युमिनियम वाला भी आता है इसमें, लेकिन तांबा वाला आप लीजिएगा, वो हाई क्वालिटी का होता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक फेविक्विक चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं, एक फेविक्विक चाहिए। उसके बाद एक कलम का ढक्कन चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केवल ढक्कन ही ज़रूरत पड़ेगी, तो एक कलम का ढक्कन। उसके बाद बारी आती है अब सोल्डरिंग करने का, जो इक्विपमेंट है उसके लिए, तो इसके लिए आपको चाहिए एक सोल्डरिंग आयरन, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर रख दिए। उसके बाद चाहिए इसे सोल्ड करने के लिए एक सोल्डरिंग वायर आती है, तार जिसे हम कह सकते हैं, जिसे गला करके सोल्ड किया जाता है हीट करके। उसके बाद आपको एक पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सोल्डिंग के साथ ही आता है, अगर आप जाएंगे दुकान पर और ख़रीदेंगे तो ये तीनों चीज़ आपको एक साथ मिल जाएगा। उसके बाद चाहिए एक ब्लेड आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक ब्लेड भी लिया हुआ है। ये सारे सामान होने के बाद आप चलिए आपको ईयरफोन बनाना है, पूरा लाइव दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आयरन को हीट पर लगा देते हैं, उसके बाद आगे आपको जानकारी देते रहेंगे, और आयरन हीट होता रहेगा। तो हम यहाँ पर क्लॉकिंग कर दिए इसको और यहाँ पर डाल दिए, फिलहाल ये आयरन हीट हो रहा है, हम इसे साइड में रख देते हैं, हमने इसे बोर्ड में लगा दिया, तो फिलहाल हीट हो रहा है, यहाँ पर गर्मी आ रही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ईयरफोन का जो जैक है उसे रिमूव कर देना है इसे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप कट करके इसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको इसे भी रिमूव कर देना है, इसके अंदर एक माइक दिया हुआ रहता है, उस माइक को निकाल लेना है। तो चलिए इन सभी कामों को तब तक हम कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद कैसे सोल्ड करना है आगे के प्रोसेस हमको हम आपको पूरा बताते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं, यहाँ से आपको कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका ऑपरेशन करना है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको इसे कट कर देना है। आगे हम बताएंगे यहाँ से ही क्यों कट करेंगे। तो चलिए हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये हमने इसका ऑपरेशन कर दिया, तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है वो आप देखिए, उसके बाद आपको यहाँ से ही लेना है इस वायर को, इससे भी थोड़ा कट कर देना है। कैंची किधर गया भाई, ये रहा मेरा कैंची, हमने आपको कैंची नहीं दिखाया। सब सिंपल आपको इस वायर को नोच लेना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। नोचने के बाद अब बारी आती है सोल्डिंग करने की। तो चलिए सबसे पहले आपको इसे सोल्ड करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे माइक को कैसे सोल्ड करना है। तो चलिए सोल्ड करते हैं। इसे सोल्ड करने से पहले हम इसे कुछ इस तरीके से पिलास के थ्रू हम इसे अटैच कर देंगे। हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं है क्योंकि हम इसके रिपेयर करने वाले नहीं हैं, फिर भी हम यहाँ से कुछ इस तरीके से इसे अपने पिलास में अटैच कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं रबड़ लगा हुआ है और यहाँ पर ये पकड़ लिया कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप देखिए, इस पॉइंट को कहाँ पर सोल्ड करना है। सोल्ड आपको करना है एक पॉइंट यहाँ पर करना है सोल्ड, और दूसरा यहाँ पर, हम यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगा देंगे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है आप इस पर सोल्ड करेंगे और दूसरा इस पर करेंगे, यानी कि सेकेंड वाले पर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का जो सोल्डरिंग है जो पॉइंट है उसी पर आपको करना है। यहाँ पर आपको प्लस करना है पहले वाले पर और दूसरे वाले पर आपको माइनस करना है। तो चलिए हम इसे सोल्ड करते हैं। तो सिंपल इसके लिए हम अपने इस पिलास में फंसा देते हैं इस तरीके से,
और इसको रख देते हैं यहाँ पर, और थोड़ा कैमरा को जूम कर लेते हैं ताकि हम आपको अच्छे तरीके से दिखा पाएँ। सबसे पहले इस वायर को थोड़ा सा इस पेस्ट में डाल देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों वायर को इस पेस्ट से हल्का हल्का भिगो देंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपना आयरन उठाएंगे। आयरन उठाने के बाद सबसे पहले हम इसे थोड़ा इस तरीके से हम इसे हटा देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा मार्किंग कर देते हैं। चलिए हम इसे अब सोल्ड करते हैं। सोल्ड करने के लिए क्या करना है, आपको पेस्ट में डाल देना है, उसके बाद सिंपल आपको इस पर धक्के सोल्ड कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको लेना है और थोड़ा सा इस पेस्ट को इस पर डालते जाना है। ये हो गया सोल्ड, ये हो गया, आप देख सकते हैं सोल्ड यहाँ पर हो गया। तो ये मेरा पहला वायर हो गया सोल्ड। अब आपको बारी आती है इस दूसरे वायर को सोल्ड करने की, तो दूसरा को यहाँ करना। चलिए जानते हैं इसे कैसे सोल्ड करना है। तो सिंपल पेस्ट मिलाएंगे और यहाँ पर इसे रखेंगे और सिंपल इसे भी यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम पेस्ट मिला करके इसे डालेंगे, तो ये भी अपने स्थान पर सोल्ड हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको सोल्ड कर लेना है दोनों वायर को, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है आगे दिखाते हैं। इस तरीके से सोल्ड कर ले, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे हमने सोल्ड किया। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमने इसे सोल्ड किया हुआ। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो दोनों वायर है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो यहाँ पर दोनों वायर है ये टच नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना सोल्डिंग कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आपको सोल्डिंग करके दिखाया। अब आपको क्या करना है वो देखिए, ये जो हमने लिया हुआ था यहाँ, अब इसमें इसे डाल देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिंपल आपको इसके अंदर इसे फिट कर देना है। चलिए हम इसे फिट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें फ़िट कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे तरीके से फ़िट कर दिया ताकि देखने में प्रोफेशनल लगे। तो सिंपल इस तरीके से फ़िट करने के बाद अब आपको फेविक्विक के सहारे इसे चिपका देना है ताकि अच्छे तरीके से उसमें चिपक जाए और इधर उधर ना डूबे। सिंपल आपको फेविक्विक लेना है, उसके बाद थोड़ा इस वायर को चिपका देना है, और ये जो पिन है यहाँ पर भी थोड़ा फेविक्विक आपको गिरा करके ये जो रबड़ है इसके साथ अच्छे तरीके से चिपका देना है, ताकि ये बाद में खिंचाए भी तो निकले ना। तो सिंपल इस तरीके से आप इसे अच्छे से चिपका दे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा देखने में भी कितना प्रोफेशनल लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिंपल इस तरीके से आप चिपका दे। उसके बाद अब बारी आती है इसके दूसरे स्लॉट में माइक्रोफोन को सोल्डिंग करने की। तो चलिए जानते हैं कि आप माइक्रोफोन को कैसे सोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो एयरफोन है उसके अंदर माइक दिया गया रहता है, माइक्रोफोन जहाँ पर स्पीकर होता है उसके जस्ट नीचे, तो वहाँ से आपको उस माइक को निकाल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने उस माइक को यहाँ से रिमूव कर लिया। सिंपल रिमूव करने के साथ प्लस पॉइंट को प्लस के साथ और माइनस को साथ, यानी कि ललका को ललका के साथ और करियक्का को साथ, रेड को रेड वाले में और ब्लैक को ब्लैक वाले में आपको सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इसे भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो सिंपल इसके लिए हम थोड़ा पेस्ट में मिलाएंगे इस वायर को, उसके बाद रेड को रेड वाले के साथ कुछ इस हीट आयरन के थ्रू इसे अच्छे से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर से ब्लैक वाले को भी इसी तरीके से कुछ इस तरीके से सोल्ड कर लेंगे। हम यहाँ पर सोल्व बोल दिए, सोल्व नहीं सोल्ड, सोल्ड कर लेंगे कुछ अच्छे तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसे अच्छे तरीके से सोल्ड कर लिए। अब इसे सोल्ड करने के बाद थोड़ा सा क्या करना है, आपको इसमें टेप से चिपका देना है ताकि दोनों तार एक जगह न सटे। आप प्लास्टिक वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा टेप के थ्रू इसे भी चिपका देते हैं। तो सिंपल कुछ इस तरीके से आप टेप को चिपका लेंगे ताकि दोनों वायर एक दूसरे में न टच हो। अगर एक दूसरे में टच होगा तो फिर आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपने कलम का ढक्कन लेना है, जैसा कि हमने आपको बताया। कलम कौन सा लेना है, अग्नि 2020, यानी कि ऐसा कलम लेना है जिसका ऊपरी मुंह खुला हो, यानी कि छिद्र हो, जैसा कि आप देख सकते हैं अग्नि 2020 के पेन में आता है। तो इस तरीके से आपको इसमें डाल देना है, उसके बाद इसका जो है छेद है इसे जंग कर देना है ताकि ये खिंचाए नहीं, सुरकाए नहीं, निकले नहीं। तो इस तरीके से आपको कोई पेपर के माध्यम से भी कर सकते हैं, अथवा आप चाहें तो फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पेपर डाल के ही इसे जंग कर देते हैं, यानी कि इसे टाइट कर देते ताकि इसमें से यह निकले नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे सामने एक देसी माइक बन करके तैयार है। यहाँ पर स्लॉट है और ये माइक है। चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं इसकी क्वालिटी, इसकी आवाज़ और सारी चीज़ें कैसी लग रही है। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो हमारे बोया बाई एमोन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया गया है इस माइक से, जैसा कि आप देख सकते हैं जिसे हमने बाई किया हुआ है।
और इसके बाद जो हम आवाज़ आपको सुनाने वाले हैं वो विदाउट माइक्रोफोन के सुनाएंगे, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इंटरनल माइक्रोफोन है उसकी आवाज़ सुनाएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे हमने जो बनाया है अभी इस माइक्रोफोन का आवाज़ आपको सुनाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी आपके सामने इसे बनाया हुआ है। तो सब चलिए आप इस माइक्रोफोन को रिमूव करते हैं, यानी कि जो बोया का माइक है उसे रिमूव करते हैं, और सबसे पहले आपको डिफरेंस बताते हैं बिना माइक का और बोया के माइक का, और हमने जो बनाया है ये माइक का, यानी कि तीनों को डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वालिटी आ रहा है। तो चलिए हम इस माइक्रोफोन को रिमूव करते हैं, उसके बाद कुछ बोलते हैं आप, थोड़ा अंदाज़ा लगाइएगा कैसा आवाज़ आ रहा है। अभी इस आवाज़ को आप सुन लीजिए, थोड़ा ये बोया का माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चलिए हम इसे रिमूव करते हैं। तो यार हम यहाँ से इसे कर दिए। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में इनबिल्ट माइक्रोफोन, यानी कि मोबाइल में जो माइक आता है उसके द्वारा रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा कि अभी जिस आवाज़ को सुन रहे हैं। अब चलिए ये मेरा माइक्रोफोन जो हाल ही में हमने बनाया है इसे इनबिल्ट करते हैं, यानी कि इसे लगाते हैं और इसका आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ गया और फिर से इसे अटैच कर दिया यहाँ पर हमने जैसे ही लगाया तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक पॉपअप शो हो गया कि योर ऑडियो इज रिकॉर्डेड इंटरनल माइक्रोफोन, यानी कि इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। अभी जो हम इसे कॉलर में नहीं लगाए हैं आपको क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा होगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है यहाँ पर, और आपको आवाज़ सुनाने से पहले इस पर कुछ टिक टाक करके दिखाते हैं। सुनिएगा कैसा सुनाई दे रहा है आपको, इससे सुनाई दे रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि हमने दूसरा कोई भी माइक्रोफोन नहीं लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोया का जो माइक है हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, इसका आप पिन देख सकते हैं यहाँ पर है, यानी कि हमने दूसरा कोई माइक्रोफोन या ईयरफोन भी नहीं इंक्लूड किया हुआ है। जो भी हमने बनाया है इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ स्पष्ट आ रही होगी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर हमने इसे ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके के माइक्रोफोन को क्या करना है, सबसे पहले आपको बुला लेना है, उसके बाद आपको इस तरीके से डाल लेना है अपने कॉलर में, और इसको अपने बटन के अंदर रखना है। आप चाहे तो अपना मनपसंदा जितना लंबा वायर रखना चाहे उतना रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसके बटन के अंदर डाल देना है, और सिंपल इसी तरीके से आपको वीडियो बनाना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं, क्या है, जो भी टॉपिक से आप वीडियो बनाना चाहते हैं आप अपना वीडियो बनाते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा हम आपके सामने लाइव यहाँ पर आपको माइक्रोफोन बना करके दिखाया। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी तरह के और सारे वीडियोज़ के लिए चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।